आज हम देखेंगे कैसे पाइथन डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं, पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर इड्स में, और अब हम सर्च करते हैं पाइथन। ओके दोस्तों, ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट रिकमेंड कर रहा है गो टू डाउनलोड। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ऑफिशियल साइट होती है python.org। आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रिफर कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपको भी इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट 3.11110। आप यहाँ क्लिक करते ही आप एक देखेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, अब देखते हैं ये यहाँ तक डाउनलोड हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है। ओके दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करना देखेंगे और जस्ट उसके बाद हम देखेंगे बाकी सारी प्रोसेसेस की। ओके, तब तक डाउनलोडिंग हो जाते तब तक के लिए मैं पुश कर देता हूँ, अदरवाइज हो जाने देता हूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, कर दूँ। बस 1 मिनट लगेगा दोस्तों। आप इसके अलावा तब तक ये देख सकते हैं, इसका वेब मैटर भी आता है, तो आप चाहें तो उसके लिए पिप के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं जेंगो, जो इसका ऑफिशियल फ्रेमवर्क है। ओके, ये रहा जेंगो दोस्तों। अदरवाइज आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप पिप के जरिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं पिप को भी बताऊंगा कैसे डाउनलोड किया जाता है, पिप कैसे जो कि काम करता है। ओके दोस्तों, ये मेरा डाउनलोड हो गया है, यहाँ शो कर रहा है। हम यहाँ से चल के क्लिक करके, अदरवाइज आप यहाँ से फाइल से भी जा सकते हैं, ऐसे क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर, और आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब आप इसको ऐसे यू एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे भी रन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान, हमें इसको बट जो भी होता है ENV, एक होती है ENV इन्वायरमेंट, वर्चुअल या इन्वायरमेंट के नाम से होता है ये। देखिए यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, ताकि हम इसका कोई और चीज़ें भी यूज करना चाहें तो कर पाएँ। तो इसलिए के लिए आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर दें और यहाँ पे इंस्टॉल मोड पे क्लिक कर दें, परमिशन लेगा, परमिशन दे दें, और जस्ट ये कुछ छोटा सा टाइम लेगा, फिर ये कंफर्म हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम इसे यूज कर पाएंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा सा तब तक हम सेटअप करते हैं वर्चुअल VS कोड में। ठीक है, VS कोड आ गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ताकि हम इसको जो भी फाइलें बनाए तो वो रन कर सके। ठीक है, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो भी कोर्सेस हों, ओ लेवल के अगर वगैरह जो भी हों, हम उन्हें हैंडल कर पाए। ताकि यहाँ पे पाइथन का मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा, आप चाहे तो इसको यूज कर लेंगे तो और भी आसानी से आप कोडिंग कर पाएंगे। ठीक है, ये पाइथन का है। अब देखें यहाँ पे ये ब्लू टिक होना चाहिए, ब्लू टिक वाले अगर यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, इसमें एक्सटेंशन अगर यूज कर लेते हैं तो आपको काफ़ी इजीली तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और VS कोड आपको अगर नहीं पता होगा तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर देंगे, तो मैं इसे बता दूंगा, इसे भी बता दूंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, किसी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं, बाद में मैं इसके बाद में मैं एंड्रॉयड डेवलपर, वेब डेवलपर के भी सारी कोर्सेस में लेके आऊँगा, तब तक इसको हम देखते हैं। ये भी ज़्यादा नहीं, तकरीबन 80% तक हो गया है, अब थोड़ा सा और बाकी रह गया, ये देखते हैं इंस्टॉलिंग हो रहा है ये भी। फिर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ न्यू में पड़ी होगी, इस फाइल में क्रिएट कर लेंगे hello.py। ठीक है, अब यहाँ पे अभी एरर दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे रन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अभी जब ये हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हमें रन का ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। तो बाकी अगर कोई लैंग्वेज अगर यूज करते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्स आती हैं, जैसे डार्ट है, सी है, तो
तो काफी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती हैं, तब जाके हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख पाते हैं। लेकिन इसमें बहुत इजी है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे दे दें हेलो वर्ल्ड, बस हो जाता है दोस्तों। अब ये रन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, नेटवर्क इशू है थोड़ा, हमारे यहाँ नेटवर्क काफी स्लो चलता है इसलिए। ओके दोस्तों, तो अब ये थोड़ा इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम बता रहे हैं यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो है इसमें हम लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन का। ये पाइथन अलग है और ये जो पाइथन इंस्टॉल होता है ये अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये सिर्फ एक एक्सटेंशन है, ठीक है दोस्तों। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों।